तो आज के इस सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर्स कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और हमारे साथ हमारे ही मतलब फ्रेंड हैं जो फूलचंद हैं, जो कि आप लोग को ये नेक्स्ट जो चैप्टर है HTML का चैप्टर आज करवाएंगे वो। तो आप लोग इन सर के साथ क्लास लीजिएगा, यहाँ पर वो बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं HTML का जो यहाँ पे चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पुटअप किया हुआ है, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर कराए हैं। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को एंड तक। पहला क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, HTML इज ए व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, HTML किस टाइप का लैंग्वेज है। तो जैसा कि HTML के नाम से, इसके फुल फॉर्म से ही हमको पता चलता है कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अर्थात यहाँ से ही हमको पता चल गया है M और L से कि HTML मेरा मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप ये चीज इतना समझ आ गया होगा आपको कैसे इसका डिफाइन करेंगे कि मार्कअप लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट का मेरा जो फर्स्ट टैग होता है वह होता है HTML। अब इसका हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि यह जो HTML टैग होता है इसका फर्स्ट एलिमेंट HTML होता है। जैसा कि हम लोग अपने टेक्स्ट एडिटर पे आ जाते हैं, यह सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पर जो ही हमें HTML इस सबसे पहले इस फाइल को सेव करके और HTML इस पर लिख कर टैब बटन प्रेस करने से आ जाता है मेरा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर दिया है जो फर्स्ट फर्स्ट टैग एसाइलम डॉक टाइप HTML, जो कि मेरे आंसर में ऑप्शन जो मेरे ऑप्शन है उसमें डॉक टाइप HTML नहीं है, उसमें HTML है ऑप्शन में। तो इसके कारण मेरा फर्स्ट टैग वहाँ से HTML लिया जाता है। जो जो डॉक टाइप होता है यह सिर्फ बताता है मेरे पेज जो HTML का फाइल होता है वह डॉक्यूमेंटेशन टाइप फाइल है, बट फर्स्ट टैग किसी भी वेब पेज का फर्स्ट टैग HTML ही होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम HTML लिख कर टैब प्रेस करें तो ऑटोमेटिक यह HTML आ गया। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि मेरा फर्स्ट टैग जो होता है वह HTML होता है। तो आप आई होप इस चीज के क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, विच HTML टैग इंसर्ट ए लाइन हॉरिजेंटली इन ए पेज। किसी पेज में एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हम लोगों को यहाँ पर लिख देते हैं, यदि फर्स्ट लाइन लिख कर फिर नीचे इसके एक br टैग होता है जिसकी हेल्प से हम लाइन को ब्रेक करते हैं, और नीचे लिख देते हैं सेकेंड लाइन नीचे लिखें। अब इन दो लाइनों के बीच में, अब इसे हम सबसे पहले सेव करके इसको जब ब्राउजर पे रन कराते हैं, इसका पाथ को कॉपी करके अपने इस ब्राउजर पे जाके रन जब कराते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि एक लाइन में मेरा फर्स्ट लाइन लिखा है और दूसरे में सेकेंड लाइन लिखा है। हम इसके बीच में एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस br टैग के बाद हम लोग एक HR टैग लेते हैं। इसको फाइल को सेव करके इसको फिर से ब्राउजर पर रिफ्रेश करते हैं, तो देखते हैं कि एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट हो गया है। तो यहाँ से हम लोगों को अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हॉरिजेंटली इन ए पेज, मतलब किसी पेज में हॉरिजेंटली लाइन इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग उपयोग करते हैं, तो HR टैग का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द टू मेन पार्ट अवेलेबल इन HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट का दो कौन से मेन पार्ट होते हैं। तो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का एक हेड एंड बॉडी होता है, जैसा कि मेरा ऑप्शन दिया गया। अब यहाँ से हम देख लेते हैं क्यों वह मेन पार्ट होते हैं। अब हम लोग अपने एडिटर पर देखते हैं कि ये जो हेड सेक्शन होता है, हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पर हम एक टाइटल दे देते हैं। टाइटल मेरा जो वेब पेज पर ऊपर शो करता है उसे कहते हैं टाइटल, जो मेरे पेज का टाइटल को बताता है, माई टाइटल जैसे हम लिख दिए। और जो बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग के अंदर लिखे गए सभी कंटेंट ही हमारे वेब ब्राउजर पे शो होते हैं, इसके कारण मेरा बॉडी टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा होता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम वह चीज लेते हैं, जैसे टाइटल हो गया, मेटा टैग इत्यादि टैग को हम हेड सेशन में लिखते हैं। अब इसको यहाँ से सेव करके हम ब्राउजर पे जब यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं माई टाइटल यहाँ पर शो कर गया, माई टाइटल लिखकर, यही मेरा टाइटल है। अर्थात मेरा ये दो इंपॉर्टेंट टैग होते हैं, जो एक होता है हेड एंड बॉडी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच कैरेक्टर इन HTML इज यूज टू इंडिकेट एंड टैग। किस कैरेक्टर की हेल्प से जो HTML टैग होते हैं उसको इंड करते हैं,
HTML टैग को एंडिंग के लिए यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिया है बी, ए फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल है। इस फॉरवर्ड स्लैश की सहायता से हम कोई भी एंड टैग को इंडिकेट करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ये हेड टैग यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर क्लोज हुआ है। जहाँ पर क्लोज हुआ है इसके सबसे उसके पहले एक है, यहाँ पर एक हम लोगों के लग गया है फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ से और यहाँ पर HTML टैग है, HTML टैग को एंड जहाँ पर हुआ है उसमें उस टैग में HTML लिखने से पहले भी एक फॉरवर्ड स्लैश लगा है। अर्थात इससे हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों का जो HTML टैग का एंड पॉइंट होता है, एंड टैग होता है, उसको एंड करने के लिए हम लोग फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंबल स्टार्ट विथ HTML कमेंट्स। HTML कमेंट को स्टार्ट के लिए स्टार्ट मतलब कमेंट को जो HTML का कमेंट होता है उसको स्टार्ट करने के लिए किसी जो किसी एंगुलर ब्रेकेट अर्थात किसी टैग को क्या लिखते हैं उसके पहले, तो एसाइलम लिख देते हैं। यदि किसी टैग जहां पर एंगुलर ब्रेकेट स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम एसाइलम का सिंबल देते हैं तो वहां से मेरा ये एंगुलर जो मेरा होता है कमेंट स्टार्ट होता है। हम लोग इसका डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर देना हमको कोई कमेंट लिखना है कि यह मेरा पेज है, एक वेब पेज है, तो यहाँ पर एक कमेंट है इस प्रकार लिख देते हैं माय वेब पेज लिख दिए। अब यह एक कमेंट हो गया, इस कमेंट को देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, एंगुलर ब्रेकेट यहाँ पर है और यहाँ पर इसके पहले एंगुलर ब्रेकेट के बाद तुरंत एसाइलम का सिंबल लगाते हैं और उसके बाद डबल डबल हाइफन का सिंबल देते हैं और लास्ट में जहाँ से क्लोज करना होता है वहाँ पर भी डबल हाइफन लगाते हैं, उसके बाद एंगुलर ब्रेकेट को बंद करते हैं। तो कमेंट हम लोग वहाँ पर देते हैं जहाँ पर ब्राउजर को पता ना चले क्या है, सिर्फ हम लोग अपने समझने के लिए इसे लिखते हैं। जैसे अब इस फाइल को सेव करके हम लोग ब्राउजर पर रन कराते हैं तो देखते हैं कि मेरे पेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात यह ब्राउजर मेरे दिए गए कमेंट को रीड नहीं करता है। इस स्थिति में हम लोग कमेंट का यूज करते हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, उसके साथ एसाइलम का सिंबल लगाते हैं, यही हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। व्हिच एट्रीब्यूट इज यूज्ड विथ टीडी टैग टू मर्ज टू सेल हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर दिया है किसी टीडी टैग जो होता है वह टेबल डेटा के लिए किया जाता है। इसका ये इसके साथ यदि दो सेल मतलब दो टेबल डेटा को एक में मर्ज करना है तो किस किस एट्रीब्यूट के थ्रू हम मर्ज करते हैं। तो दो सेलों को मर्ज करने के लिए यहाँ पर मेरा ऑप्शन जैसे दिया है कॉल स्पैन टू, कॉल स्पैन टू के हेल्प से दो सेलों को मर्ज करते हैं। इसका हम लोग थोड़ा फास्ट में प्रैक्टिकल देख सकते हैं। इसके अंदर के जो कंटेंट लिखे हैं सबसे पहले डिलीट करके एक टेबल क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये टेबल टैग की हेल्प से एक टेबल क्रिएट होता है, टेबल टैग के अंदर हम फिर टी आर टैग लेते हैं। टी आर टैग जो बताता है टेबल रो, टेबल रो के अंदर कितने हमको डेटा लिखना है अर्थात कितने एक रो में कितने कॉलम बनाना है। तो टी डी की हेल्प से टेबल डेटा लेते हैं। जैसे यहाँ पर माने हम लोग लिख लिए नेम, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में हम लोग नेम लिख लिए और सेकंड कॉलम में हम लोग लिख लेते हैं कि योर मोबाइल नंबर MOV मोबाइल नंबर। अब ये मेरा फर्स्ट रो में दो कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया नेम, दूसरे कॉलम में हो गया मोबाइल। अब फिर इसे हम लोग यहाँ देखते हैं एक सेकंड एक और रो ले लेते हैं, सेकंड रो टेबल रो, टी आर मतलब टेबल रो होता है और टी डी मतलब टेबल डेटा होता है। दूसरे रो में हम लोग चाहते हैं कि नेम के नीचे मेरा जो नाम है वो लिखा है, मैंने मेरा नाम विनोद लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग विनोद लिखे और उसके बाद मोबाइल के नीचे आ जाए विनोद जी का मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इनका नंबर लिख देते हैं, मान रहे नंबर हम लोग कुछ भी दे देते हैं जैसे 0000। हम लोग एक रॉ डेटा ले लिए। अब इस पेज को हम सेव करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले बॉर्डर यहाँ पर लिख देते हैं, बॉर्डर बॉर्डर लिखने से मेरा एक बॉर्डर 2 पिक्सल का एक बॉर्डर दे देते हैं जिससे चारों तरफ एक बॉर्डर जाए टेबल के साथ। अब इस पेज को सेव करके अब ब्राउजर पे इसे जो है रिफ्रेश करते हैं तो ये देखते हैं कि मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया। जैसे कि टेबल में लिखा गया नेम और मोबाइल नंबर और विनोद और एक में मोबाइल के नीचे इनका नंबर मानना है 0000। हम लोग रॉ डेटा लिख दें, इसके नीचे हम लोग लिख देंगे एंड पॉइंट। यदि हम लोग चाहते हैं कि ऐसे दोनों में बॉक्स बने, दोनों एक ही मर्ज हो जाएं, तो उस स्थिति में हम लोग कॉल रो स्पैन का यूज करते हैं। यदि रो को स्पैन करना है तो रो स्पैन करते हैं और कॉलम को स्पैन करना है इस प्रकार कॉलम को स्पैन करना होता है तो कॉल स्पैन का यूज करते हैं। तो मेरे क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ पर पूछा है कि टी डी टैग मर्ज टू सेल हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टली दो
हॉरिजॉन्टली दो सेल को मर्ज करने के लिए किस टैग का उपयोग करते हैं। तो इसका हम लोग देख सकते हैं, लोग चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पर, यहाँ पर देखते हैं एक हम लोग नीचे एक और रो बनाते हैं और इस रो के अंदर एक एक टीडी लिखते हैं। टीडी के अंदर लिख देंगे दिस इज एंड पॉइंट, दिस इज एंड लाइन मान रहे हैं, लिख देते हैं। अब इस लाइन को हम लोग चाहते हैं कि ये जो विनोद और 00 उनका मोबाइल नंबर है, इन दोनों को जैसे कि यहाँ पर इन दोनों के नीचे से हो, अर्थात उन दोनों रो को, इन दोनों कॉलम को हमको मर्ज करना है। तो इस स्थिति में हम लोग टीडी के साथ एक एट्रीब्यूट को यूज करते हैं जिसे होता है कॉलम स्पैन। अब कॉलम स्पैन तो हो गया, उसके वैल्यू को देंगे कि जितने कॉलम को हम लोगों को मर्ज करना है उस कॉलम की वैल्यू को देते हैं, जैसे कॉलम 2 लिख दिए। अब ये दो कॉलम एक में मर्ज हो जाएगा। अब इसको हम सेव करके और अपने अपने ब्राउजर पे जाकर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, अब यह जो दिस इज एंड आया है, यह दोनों कॉलम को एक साथ मर्ज करके आया है। इस स्थिति के लिए हम लोग कॉल स्पैन का यूज करते हैं। आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल के साथ देख चुके हैं कि कॉल स्पैन का यूज टीडी के साथ कैसे किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टैग क्रिएट ए चेकबॉक्स फॉर ए फॉर्म इन एचटीएमएल। किसी एचटीएमएल टैग में किसी एचटीएमएल पेज के अंदर हम लोग जो चेकबॉक्स क्रिएट करते हैं तो वह किस एट्रीब्यूट किस वैल्यू के द्वारा हम लोग चेकबॉक्स क्रिएट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली देख, जैसे यहाँ पर दिया है आंसर में हम लोग देख सकते हैं इनपुट टाइप चेकबॉक्स, तो इसका हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि यह सही वर्क करता है या नहीं। तो सबसे पहले इस टेबल को हम लोग डिलीट करके यहाँ पर एक अपना न्यू फॉर्म है जो मेरा टैग यूज किया जाता है इनपुट टाइप या किसी फॉर्म के अंदर किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्म टैग एक ले लेते हैं। फॉर्म टैग के अंदर इनपुट एक टैग होता है जिसके अंदर हम लोग टाइप दे देंगे चेकबॉक्स, इनपुट टाइप चेकबॉक्स दे देते हैं और नेम को ऐसे छोड़ देते हैं और यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू लिख देते हैं जैसे कि हम वैल्यू में कुछ भी लिख देते हैं, प्लीज सेलेक्ट चेकबॉक्स। अब इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे अपने जाकर इस पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चेकबॉक्स मेरा क्रिएट हो गया। अब इसके आगे हम चाहते हैं, ये जो हम चेक करते हैं तो ये मेरा वैल्यू जो दिया गया है यह वैल्यू मेरे डेटाबेस के अंदर जाता है, इस स्थिति में इसका प्रयोग करते हैं। और हम चाहते हैं कि उसके आगे कुछ शो, जैसे इनपुट चेकबॉक्स हो गया, चेकबॉक्स के आगे कुछ शो हो, तो हम लोग चाहते हैं जो वैल्यू दिए हैं वही चीज हम लोग उस चेकबॉक्स के आगे शो हो। तो यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और देखेंगे कि उसके आगे मेरा ये चेकबॉक्स के आगे ये वैल्यू लिखा हुआ आ जाएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि यह प्लीज सेलेक्ट वैल्यू चेकबॉक्स ये सेलेक्ट हो गया। तो इस स्थिति में हम लोग चेकबॉक्स का यूज करते हैं और इसके टाइप को बताते हैं कि यह चेकबॉक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। Which HTML tag is used to add a row in a table? किसी टेबल में एक रो ऐड करने के लिए क्या करते हैं? तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि टेबल रो क्रिएट करने के लिए TR का यूज करते हैं, तो इस प्रकार यहाँ ऑप्शन ये सही है TR। हम लोग टेबल अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किए थे, उसमें TR की हेल्प से टेबल रो क्रिएट किए थे। और TD जो होता है यहाँ टेबल डेटा के लिए होता है, और TH जो होता है वो टेबल हेडर के लिए होता है, और CR कोई कमांड नहीं होता है, किसी कोई टैग नहीं होता है किसी टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन मिल गया TR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच HTML टैग इज यूज टू डिवाइड ए रो इनटू डेटा सेल। किस कमांड की हेल्प से डिवाइड किया जाता है रो इनटू डेटा और सेल को? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि TD अर्थात टेबल डेटा, तो वही जो अभी हम लोग टेबल क्रिएट करते समय देखे हैं कि टेबल डेटा जो जहाँ पर हम लोगों का डेटा लिखा होता है, जैसे मोबाइल नंबर लिखे थे और नेम लिखे थे, तो वह एक सेल के अंदर लिखा गया था। तो वही पूछा है कि डिवाइड ए रो इनटू डेटा सेल, मतलब किसी सेल के अंदर जो है जो डिवाइड किए गए हैं उसके अंदर हम लोग क्या किस चीज की किस टाइप की हेल्प से उसे क्रिएट किए उस सेल को। तो टेबल डेटा की हेल्प से हम लोग उस सेल को क्रिएट किए हैं जिसके अंदर हम लोग अपना डेटा लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which is the correct syntax for adding alternate text for image in the image cannot be displayed? तो यहाँ पर पूछा है कि किस
टैग की हेल्प से करेक्ट सिंटेक्स, मतलब किस करेक्ट सिंटेक्स की हेल्प से एडिंग अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज, मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट का यूज करते हैं, और उसमें जब मतलब अल्टरनेट टैग का यूज तभी किया जाता है, एट्रीब्यूट का यूज तभी किया जाता है जब वह इमेज शो ना हो डिस्प्ले पे। तो उस स्थिति में हम लोग इसमें बताना है कि कौन सा सिंटेक्स सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में इमेज SRC और इमेज का ये पाथ दिया गया है कि वो इमेज मेरा क्या है, और अल्ट यहाँ पर दे दिया अल्ट बिग बोट। तो यहाँ पर यदि यह इमेज हम लोग ब्राउजर पे रन कराते हैं, इस इमेज मतलब जो ये इमेज मेरा टैग है इसको जब ब्राउजर पे रन कराएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि यदि यह इमेज इस नाम से ना मेरे फाइल में हो, मेरे फोल्डर में, मेरे सिस्टम में नहीं है, तो उस स्थिति में अल्टरनेट ALT एट्रीब्यूट का यूज करते हैं जो हमको बताता है कि यदि मेरा इमेज शो नहीं हो रहा है तो एक मैसेज देता है कि कुछ इरर हो रहा है। उस स्थिति में करते हैं हम लोग इसका डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर IMG टैग एक यूज करते हैं, IMG टैग की हेल्प से अब SRC पूछ रहा है इमेज का पाथ देते हैं, मान रहे हम इमेज का पाथ दे देते हैं PATH पाथ डॉट HTML सॉरी पाथ डॉट JPG इमेज है तो उसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट JPG, और अल्ट एट्रीब्यूट लेते हैं। अल्ट एट्रीब्यूट मतलब एक मैसेज शो कर देते हैं योर इमेज इज नॉट फाउंड, योर इमेज इज नॉट फाउंड अर्थात ये पाथ डॉट JPG इमेज जो पाथ दिए हैं यह इमेज मेरा ये HTML फाइल नहीं पाएगा, तो वेब ब्राउजर पे एक मैसेज शो कर देगा योर इमेज इज नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने वैसे अंदाजे ही एक पाथ डॉट JPG फाइल का पाथ दे दिया है बट मेरे सिस्टम में है नहीं। इसके कारण जब हम इस फाइल को सेव करके ब्राउजर पे रन कराते हैं तो देखते हैं कि लिख कर आ रहा है एक मैसेज कि योर इमेज इज नॉट फाउंड। इस स्थिति में हम लोग अल्टरनेट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। यदि वही इमेज का पाथ हम लोग सही दिए होते हैं, वह इमेज मेरे सिस्टम में होता तो यह चीज लिखकर नहीं आता, उस स्थिति में मेरा इमेज शो हो जाता। आई होप ये चीज आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो यहाँ पर ये चीज सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द करेक्ट H1 टैग फॉर राइट एलिमेंट। तो यहाँ पर पूछा गया है H1 टैग का राइट मतलब यदि जो H1 टैग अर्थात हेडिंग 1 होता है उसमें जो हम कुछ कंटेंट लिखेंगे वह चाहते हैं राइट अलाइनमेंट है। राइट अलाइनमेंट मतलब होता है हमको उस जो कंटेंट है उसको कहाँ पर प्रदर्शित करना है, राइट में लिखना है अपने वेब ब्राउजर के राइट में ले जाना है कि लेफ्ट में ले जाना है कि ऊपर ले जाना है कि नीचे, इस स्थिति में करते हैं अलाइनमेंट। लेकिन जो हम लोगों का HTML है यह है तीन टाइप का अलाइनमेंट देता है। फर्स्ट अलाइनमेंट देता है लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो आइए हम लोग इसका प्रैक्टिकल डायरेक्ट करके देखते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर एक H1 हेडिंग 1 टैग लेते हैं, इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं HADING हेडिंग 1 लिख दिए, और इसको हम लोग यदि सेव करके ब्राउजर पे अपने चलाते हैं तो यहाँ पर हेडिंग हो A1 आए जिसका बाय डिफॉल्ट अलाइन हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अलाइन लेफ्ट है बट हम लोग चाहते हैं इसका जो अलाइन है वह राइट हो जाए। तो इस स्थिति के लिए यहाँ पर अलाइन एट्रीब्यूट की हेल्प से यहाँ पर राइट लिख देते हैं, राइट वैल्यू दे देते हैं और इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जब रन कराएंगे तो देख सकते हैं कि मेरा वैल्यू राइट साइड चला गया। तो इस स्थिति में इस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। यदि हम लोग चाहते हैं कि मेरा यहाँ पर जो वैल्यू है हेडिंग 1 वह सेंटर में है तो सेंटर वैल्यू देकर हम उसको अपने हेडिंग 1 को सेंटर में ला सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सेंटर आ गया, सेंटर में हेडिंग 1 आ गया। तो चूंकि मेरे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि राइट अलाइनमेंट के लिए हम लोग कौन सा सिंटेक्स मतलब इसमें दिए गए कौन सा सिंटेक्स सही है, तो यहाँ पर अलाइन राइट करते हैं आप लोगों को, जैसे कि हम प्रैक्टिकल करके दिखा दिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर मार्किंग ए हाइपरलिंक। यहाँ पर दिया है कि एक हाइपरलिंक के लिए आप लोग मेकिंग ए हाइपरलिंक मतलब एक हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए किस सिंटेक्स का यूज करेंगे, जो नीचे सिंटेक्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा सिंटेक्स का आप यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन सी मेरा जो है यह राइट सिंटेक्स लिखा गया है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग किसी लिंक को क्रिएट करने के लिए ए टैग होता है जो ए फॉर एंकर टैग होता है, एंकर टैग की हेल्प से कोई लिंक क्रिएट करना। यदि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं https://www.google
google.com, यहाँ पर ये चीज लिख दिए हम लोग, गूगल का एक एड्रेस दे दिए, यहाँ पर लिख देते हैं गूगल गूगल लिंक है। यहाँ पर जो ही हम लोग गूगल लिंक पर क्लिक करेंगे तो ही मेरा एक गूगल का एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को हम लोग सेव करके ब्राउजर पे रिफ्रेश जो ही करते हैं तो आ गया गूगल का लिंक। जो ही हम इस पेज पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो ही मेरा एक गूगल का पेज ओपन होकर आ सकता है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग इस प्रकार एंकर टैग का यूज करते हैं। तो वही पूछा था इसमें से राइट सिंटेक्स कौन सा है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि राइट सिंटेक्स है यहाँ पर सी वाला है, जो यहाँ पर यह ओपन किया है आईटीआई पोर्टल को ओपन करने के लिए, आईटीआई पोर्टल के एड्रेस को दिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है विच इज द करेक्ट टैग फॉर एडिंग आई फ्रेम इन एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल टैग में एक आई फ्रेम टैग की हेल्प से हम लोग कैसे आई फ्रेम बनाते हैं। जैसे किसी एक हम लोगों को जो पेज होता है उसमें हम लोग चाहते हैं तमाम पेज एक ही पेज में ओपन हो, जैसे कई लिंक क्रिएट करके हम लोग एक ही पेज में ओपन करना चाहते हैं उन सभी लिंक को, ना कि अदर टैब में ओपन हो। तो उस स्थिति में हम लोग आई फ्रेम टैग का यूज करते हैं। तो दोस्तों इस पेज को बनाने के लिए हम लोगों को कई फाइलें तैयार करना पड़ेगा, जिसका प्रैक्टिकल कराने में थोड़ा लेंथी हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग इसका राइट सिंटेक्स ओनली देख लेते हैं और प्रैक्टिकल मैं आपको बाद में करा सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों का एग्जाम आ रहा है तो इसके कारण हम लोगों को एग्जाम को देखते हुए समय को ध्यान करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट सिंटेक्स होता है आई फ्रेम का, आई फ्रेम एसआरसी, जो हम लोगों को एसआरसी मतलब उस पाथ को, एसआरसी मतलब होता है सोर्स, जो हमको पाथ को इसके साथ देना पड़ता है। तो यह पाथ हम लोगों को दिया गया है कि इस पाथ पे इसकी हेल्प से जाना है आई फ्रेम। तो यह मेरा राइट सिंटेक्स है ऑप्शन सी, किसी आई फ्रेम टैग को यूज करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर एडिंग ए बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पर पूछा है किसी बैकग्राउंड, किसी एलिमेंट के साथ उसका बैकग्राउंड कलर यूज, मतलब बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए हम लोग कौन सा सही सिंटेक्स है इसमें से दिया गया, मतलब कौन सा सही सिंटेक्स है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी जो दिया है, बॉडी वीजी कलर येलो। तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि यह सही है कि नहीं। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वीजी कलर, यदि यहाँ पर हम लोग रेड दे दिए और इसे सेव करके यहाँ पर अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं तो मेरा इस पेज का कलर पूरा रेड हो गया। तो यह पार्टिकुलर, जो हम किसी भी एट्रीब्यूट को और उसके वैल्यू को किसी एज बॉडी टैग के साथ यूज करते हैं तो वह फॉर्मेटिंग पूरे पेज में लग गया। तो हम लोग चूंकि बॉडी मेरा, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, जो बॉडी होता है वह पूरे पेज को दर्शाता है, तो बॉडी टैग के अंदर हम लोग बीजी कलर दिए तो मेरा पूरे पेज का कलर रेड हो गया। अब आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन क्यों ऐसा ही है, बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डू यू ऐड ए लिंक विच विल अलाउ द विजिटर टू सेंड ए मेल। अब यहाँ पर दिया है अलाउ टू विजिटर, मतलब किसी विजिटर को एक सेंड एन ईमेल फ्रॉम द पेज, उस पेज की सहायता से ईमेल, एक ईमेल भेजने के लिए किस सिंटेक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है, जो ए होता है एंकर टैग, उसी जिस जो टैग हम लोगों को लिंक क्रिएट कराता था उसी टैग की हेल्प से एचआरपी और मेल्टो दे देते हैं, फिर कालन लगाकर योर एड्रेस, मतलब उसके ईमेल का एड्रेस दे देते हैं, उस स्थिति में उस व्यक्ति को ईमेल चल जाता है। उस स्थिति में हम लोग इस ईमेल वाला जो क्वेश्चन है, विजिटर टू सेंड ए ईमेल फ्रॉम द पेज, उस पेज से लिंक के ईमेल के पास, ईमेल उस दिए गए ईमेल के पास कुछ मैसेज भेजने के लिए यहाँ पर इस प्रकार के सिंटेक्स का हम लोग यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट विल हैपन इफ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन स्क्रीन। व्हाट विल हैपन मतलब क्या घटना घटेगी यदि आप जो एक बैकग्राउंड इमेज है, मतलब किसी एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम लोग एक इमेज लगा रहे हैं, यदि वह इमेज की साइज मेरे बैकग्राउंड, मतलब मेरे जो होम पेज है, मेरे वेब ब्राउजर का होम पेज है, उसके तुलना में मेरे इमेज की साइज बहुत छोटा है, तो आपके साथ क्या घटना घटेगी यदि आप उस छोटे इमेज को अपने बैकग्राउंड में लगा दिए। तो इसका एकदम सीधा आंसर होता है कि इट विल बी रिपीटेड, वह इमेज बार बार रिपीट हो जाएगी। कब तक रिपीट हो जाएगी, जब तक पूरे पेज में वह इमेज फिल ना हो जाए, तो उसी इमेज को बार बार रिपीट करके उस चीज को वह पूरे बैकग्राउंड को फिल कर देता है। तो दोस्तों हम लोग इस चीज का प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि मेरा वह इमेज कैसे, यदि छोटा इमेज है तो कैसे रिपीट करता है। तो चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पर, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड इमेज देते हैं। बैकग्राउंड इमेज देने के लिए
देखते हैं तो हम लोग अपने टेक्स्ट एडिटर में जाकर एक स्टाइल जो सीएसएस का एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है उसकी सहायता से हम लोग बैकग्राउंड इमेज देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज हम लोग ले लेते हैं। बैकग्राउंड इमेज के साथ उसका हम लोग पास देते हैं यू आर एल हेल्प की हेल्प से सहायता से हम लोग इसके अंदर अपने इमेज का पास देते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि जहां पर ये मेरा फाइल बना है टेस्ट डॉट टू उसी के अंदर एक इमेज डॉट पी एन जी नाम से एक मेरा फाइल है। तो इस फाइल का हम लोग एड्रेस दे देते हैं इमेज डॉट पी एन जी हम लोग इसका पास दे दिए। अब हम लोग इसको अब रन कराएंगे। तो अपने ब्राउजर पे चलते हैं इसको रन कराने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब इसको सेव इस फाइल को हम करते हैं और ब्राउजर पे चलते हैं इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही इसको रन कराएं तो देखते हैं इसमें कुछ एरर आ गए हैं जिसके कारण पेज ना, तो हम लोग चेक करते हैं क्या है। तो दोस्तों हम लोग एक बैकग्राउंड इमेज जो लिए हैं वैल्यू उसके अंदर यूआरएल की हेल्प से उसे अपने इमेज जो मेरे बैकग्राउंड पर इमेज को लगाना है उसे डाउनलोड उस इमेज का नाम है डॉट जे एफ आई उसका एक्सटेंशन है। तो इस इमेज को हम लोग यहाँ पर स्टाइल एक जो सीएसएस का एट्रीब्यूट होता है उसकी हेल्प से हम एक बैकग्राउंड इमेज लगाए हैं। अब इसे हम जिससे फाइल को सेव करके यहाँ पर देखते हैं जो इस फाइल को हम लोग सेव करके ब्राउजर पे जब ही रन कराते हैं तो यहाँ देखते हैं कि मेरा एक इमेज लग गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह इमेज हम लोग एक ही था मेरा ये इमेज। यहाँ पर हम लोग आपको अपने इमेज दिखा देते हैं कि मेरा इमेज जो है यहाँ डेस्कटॉप पर M2R5 नाम का एक फोल्डर है, यहाँ पर मेरा डाउनलोड डॉट जे एफ आई ये मेरा इमेज है इसका एक्सटेंशन है जो एक देख सकते हैं कि एक सिंगल इमेज है, एक यह सिंगल इमेज है। बट यहाँ पर जब हम ब्राउजर पे इसी अपने फाइल को जब रन कराए तो यहाँ पर दो इमेज, अर्थात यह इमेज मेरे बैकग्राउंड के साइज का ना होने के कारण इमेज को रिपीट कर दिया है। तो और कुछ नहीं था दोस्तों, इसी सिर्फ एक क्वेश्चन में पूछा था कि यदि आपका इमेज की फाइल जो है इमेज की साइज जो है वह छोटा है तो उस स्थिति में क्या घटना घटेगी आपके साथ। तो यही दिया है इट विल बी रिपीटेड, मतलब इमेज रिपीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या विच इज द करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर मेकिंग ए टेक्स्ट इनपुट फील्ड। आप लोगों को पूछा कि करेक्ट एचटीएमएल टैग क्या है कि इनपुट फील्ड कोई एक इनपुट फील्ड बनाने के लिए करेक्ट एस्टिमेट क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन बी जो है इनपुट टाइप टेक्स्ट, जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसकी हेल्प से एक हम लोग मेकिंग ए टेक्स्ट इनपुट फील्ड, मतलब एक जो फील्ड बनाते हैं एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट, इसका हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर इनपुट एक टैग लेते हैं यहाँ से हम लोग इसको रिमूव करके एक टैग लेते हैं, हम लोग यहाँ पर इनपुट टैग लेते हैं और देखते हैं कि इनपुट टाइप यदि यहाँ पर टेक्स्ट लिख देते हैं तो इस पेज को हम लोग सेव करके जब ब्राउजर पे रिफ्रेश इसे करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स बनकर आ गया जिसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यह स्थिति यह तब यूज किया जाता है जब हम लोग को लिखना होता है कि इनपुट इंटर नेम, जब कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है तो वहाँ पर एक मतलब कोई फॉर्म बनाते समय इस टैग का यूज किया जाता है कि इनपुट और उसमें टाइप टेक्स्ट दे देते हैं तो एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है जिसके अंदर हम लोग कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसे डेटाबेस में हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इंटर नेम है, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए जो कुछ भी नाम है अपना नाम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीख लिए कि जो इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज होता है क्यों होता है, वह क्योंकि एक टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाने के लिए क्रिएट किया जाता है। बहुत इजीली हम लोग इसका प्रैक्टिकल देख लें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर क्रिएटिंग पासवर्ड फील्ड। किसी इस करेक्ट मतलब इसमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट एचटीएमएल टैग है जिसकी सहायता से हम लोग एक पासवर्ड फील्ड बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब नीचे लिख देते हैं पासवर्ड, जो ही यहाँ पर पासवर्ड लिख के मतलब यूजर नेम इनपुट करें उसके बाद पासवर्ड इनपुट करें, इनपुट फील्ड ले लेते हैं इनपुट, हम लोग यहाँ पर इनपुट टैग ले लेते हैं और यहाँ पर टाइप में हम लोग पासवर्ड दे देते हैं। जो ही हम लोग टाइप में पासवर्ड देंगे
तो देखेंगे कि तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक जो मेरा फील्ड बनेगा उसमें एक पासवर्ड टाइप का फील्ड है। इसको हम ब्राउजर पर रन कराते हैं, जो हम देखते हैं यहाँ पर पासवर्ड, जैसे कि यहाँ डब्ल्यू छूट गया है, तो दोस्तों उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये हम लोग को तो खैर एडिटिंग से है, वो हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे तो आ जाता है पासवर्ड। यहाँ पर अपना नाम इनपुट करेंगे, नाम जो कुछ भी होगा अपना नाम में इनपुट करके यहाँ पर पासवर्ड, जो हम पासवर्ड मानना है 8795 देना है, तो एक पासवर्ड टाइप बन गया। और यहाँ पर हम लोग सीन का भी आ गया चिन्ह की, आप लोग देख सकते हैं कि पासवर्ड लिखा है कि नहीं। यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति में हम लोग टाइप में पासवर्ड देते हैं, तो वह एक पासवर्ड की तरह बिहेव करता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन देख सकते हैं कि इनपुट टाइप पासवर्ड जब देते हैं तो वह एक पासवर्ड वाला फील्ड क्रिएट हो जाता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल कोड फॉर इंसर्टिंग ए बैकग्राउंड इमेज। इसमें से दिया है कि बैकग्राउंड इमेज को इंसर्ट करने के लिए सही कोड क्या है। तो अभी जैसा कि दोस्तों हम लोग आप लोगों को कराया हुए बैकग्राउंड इमेज लगाए हैं, बट वह मैंने CSS के हेल्प से लगाया हूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से, CSS की सहायता से मैंने इमेज लगाया। अब हम लोग उसी इमेज उसी पेज में इमेज को लगाना चाहते हैं विथ हेल्प ऑफ HTML एट्रीब्यूट। तो आइए देखते हैं कि इसी जो ये जो मेरा एक पेज है, इसी के अंदर हम लोग बैकग्राउंड एक एट्रीब्यूट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए उस मेरा जो फाइल जो मेरा इमेज है उसका पूरा पाथ मतलब सोर्स दे देते हैं कि वह क्या उसका पाथ है। तो उसका पाथ कहने का मतलब है उसका नेम और उसका एक्सटेंशन देना है। तो उस फाइल का नाम है डाउनलोड और डॉट JFIF उसका एक्सटेंशन है। तो इस इमेज को जैसा कि हम आप लोगों को पहले दिखा चुके थे, और इस फाइल को सेव करके ब्राउजर पे जो है इसे रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं मेरा इमेज आ गया। यहाँ पर वही तो पूछा था इस क्वेश्चन में कि आप लोग एक बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए सही सिंटेक्स क्या है। ऊपर पूछा था यदि इमेज का साइज छोटा है तो क्या होगा, तो बैकग्राउंड में रिपीट हो जा रहा था, बट इसमें पूछा है उस किस सिंटेक्स की हेल्प से उस इमेज को लगाया जाता है। तो आखिर बार मैंने इस HTML एट्रीब्यूट की हेल्प से मैंने इमेज को लगाया है, जो एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड है, उसके बाद इमेज डॉट JPG यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है तो उस प्रकार इमेज का नाम हम लोग दे देते हैं विथ एक्सटेंशन के साथ। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है विच ऑप्शन विल मैच, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा व्हाइल मैंने जब मेकिंग बुलेटेड लिस्ट, जब हम बुलेटेड लिस्ट बनाते हैं तो उस स्थिति में कौन कौन सा एक लिस्ट टाइप मतलब दे सकते हैं। तो उस स्थिति में हम लोगों का यहाँ पर तीन प्रकार के यूज कर सकते हैं लिस्ट टाइप। फर्स्ट होता है डिस्क, दूसरा होता है सर्किल, तीसरा होता है स्क्वायर। तो आइए दोस्तों हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग चाहते हैं कि एक लिस्ट क्रिएट करें, वो भी UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट होता है, UL मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट करने बनाने के लिए एक UL टैग लेते हैं, इसके अंदर लिस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे MOUSE माउस एक ले लेते हैं, और सेकंड लिस्ट के अंदर लिस्ट LI मतलब होता है लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम कौन कौन से लिस्ट चाहिए, जैसे कीबोर्ड ले लिए, फिर इसके बाद हम लोग थर्ड लिस्ट में ले लिए, जैसे कि यहाँ पर KOBARD होता है, और यहाँ पर थर्ड ले लिए मॉनिटर माना ले लिए मॉनिटर ले ली। ये मेरा इसको हम फाइल को सेव करते हैं, तो यहाँ पर ब्राउजर पे जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो एक सेकंड लग रहा है मेरा फाइल सेव नहीं हुआ है। इसको सबसे पहले हम लोग फाइल को सेव करके और ब्राउजर पे जाकर रन रिफ्रेश करते हैं, तो देख सकते हैं मेरा माउस कीबोर्ड मॉनिटर ए मेरा एक लिस्ट क्रिएट हुआ। और इसके साथ ये टाइप बना के किस प्रकार का लिस्ट बना, मतलब अनऑर्डर लिस्ट है, बट इसका जो टाइप है बुलेट बाई डिफॉल्ट डिस्क टाइप आया है। तो इसी को ही पूछा क्वेश्चन में कि आप लोग जो अनऑर्डर लिस्ट होता है वो किस प्रकार के मतलब बुलेटेड लिस्ट जो है किस प्रकार के कौन कौन से चीज़ का यूज करता है। तो फर्स्ट हम लोग देख चुके हैं कि वह है डिस्क टाइप आया है, जो बाय डिफॉल्ट टाइप उसका होता है डिस्क आता, मतलब डिस्क के टाइप का जो टाइप होता है बाय डिफॉल्ट DISC होता है, डिस्क होता है। और जो सेकंड होता है बाय डिफॉल्ट होता है, इसको हम लोग ना लिखेंगे तभी भी हो जाता है, लिखेंगे तभी भी आएगा, बट यदि ये UAR स्क्वायर लिख देते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मेरा यह टाइप स्क्वायर हो गया। और थर्ड होता है जो कि मेरा सर्किल होता है, यदि यहाँ पर हम लोग सर्किल दे देते हैं तो CIRCLE सर्किल दे देते हैं तो मेरा लिस्ट स्टाइल का जो टाइप हो जाता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह एक सर्किल बन गया, यहाँ पर एक सर्किल बन गया। तो इस प्रकार मेरे जो बुलेटेड लिस्ट होते हैं वह तीन प्रकार के टाइप को बताता है, डिस्क सर्किल एंड स्क्वायर, हम लोग प्रैक्टिकल के साथ देख चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज द सेल पैडिंग। किसी सेल पैडिंग जो मीनिंग ऑफ इंक्रीज मतलब सेल, यदि हम
इंक्रीज कर रहे हैं सेल्फ एडिंग। इसमें आपसे कुछ नहीं पूछा है कि सेल्फ एडिंग का मतलब क्या होता है। यदि हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं, सेल्फ एडिंग को इंक्रीज करना है तो क्या क्या पड़ता है, तो हम लोग देख सकते, पहले जान लेते हैं सेल्फ एडिंग एंड एक दूसरा टर्म होता है सेल स्पेसिंग। ये चीजें क्या होती हैं, सेल्फ एडिंग और सेल स्पेसिंग। तो हम लोग आ जाते हैं स्पेंट पे, और यहाँ पर ऐसे एक ये बॉक्स बन गया और एक और बॉक्स ले लिए। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये जो इस बीच की दूरी जो बनी है, इस बीच की दूरी को हम लोग सेल स्पेसिंग कहते हैं, अर्थात दो सेलों के बीच की दूरी को हम लोग सेल स्पेसिंग कहते हैं। जो मेरा ये है, इस बीच की दूरी जो है, इसी को हम लोग सेल स्पेसिंग कहते हैं। बट यदि हम लोग यहाँ पर यदि हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ पर जैसे यदि ए बी सी कुछ भी लिख दिए, और जब कुछ लिख देते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इसके बीच की दूरी, मतलब हम लोग यहाँ पर जैसे जो मेरा इस सेल है और इस सेल इस कैरेक्टर के, मतलब जो कुछ लिखे हैं, इसके बीच की दूरी को हम लोग सेल पैडिंग कहते हैं। अर्थात लिखे गया कैरेक्टर और ये कैरेक्टर का ये जो बॉर्डर है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग सेल पैडिंग कहते हैं, और इन दोनों सेलों के बीच की स्पेस, इन दोनों बीच के स्पेस को हम लोग सेल सेल स्पेसिंग कहते हैं। तो हम लोग यही इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको यदि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज द सेल पैडिंग, मतलब सेल पैडिंग का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी देख सकते हैं, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन सेल एंड कंटेंट। जैसा कि हम आप लोगों को यहाँ पर बता दीजिए, कंटेंट है और ये सेल है, ये सेल जो है और ये कंटेंट है, तो इसी के जो सेल है और ये कंटेंट के बीच की दूरी को हम लोग सेल पैडिंग कहते हैं, जो मेरा ऑप्शन में दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या विच प्रॉपर्टी ऑफ सेल विल हाउ मेनी रोज ए सेल शुड स्पैन। तो पूछा है कि विच प्रॉपर्टी, मतलब किस प्रॉपर्टी की सहायता से सेल में हाउ मेनी, मतलब अधिक सेल, रोज सेल शुड स्पैन, मतलब स्पैन कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी होता है। तो अभी हम लोग जैसे कि ऊपर एक बार जब टेबल क्रिएट किए थे, तो उसमें हम लोग कॉल स्पैन अर्थात दो कॉलम को एक साथ मर्ज किए थे, तो कॉल स्पैन वहां पर प्रॉपर्टी लगा था। यहाँ पर हम लोगों को मल्टीपल रो को जब एक साथ मर्ज करना है, तो उस स्थिति में हम लोग रो स्पैन करते हैं, रो स्पैन का यूज प्रॉपर्टी का और वैल्यू का इसका यूज करते हैं। तो सेम दोस्तों, इसमें प्रैक्टिकल कराने की जरूरत नहीं है कुछ है। जैसा कि हम लोग वहां पर कॉल स्पैन करके दो कॉलम को मर्ज किए थे, उसी प्रकार यहाँ यदि रो स्पैन कर देंगे तो दो रो मर्ज, जितने मतलब वैल्यू देंगे उतने रो मर्ज हो जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों को यदि किसी को नहीं समझ में आया होगा कि रो स्पैन कैसे यूज करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेन बाकायदे से कर दूंगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वेब लैंग्वेज गिवन गिव मोर कंट्रोल ओवर द एचटीएमएल एलिमेंट। कौन सा लैंग्वेज है गिव मोर कंट्रोल, मतलब अधिक कंट्रोल देता है ओवर द एचटीएमएल, ओ एचटीएमएल के ऊपर एलिमेंट, एंड अलाउज देम टू चेंज एट एनी टाइम विदाउट रिटर्निंग टू द वेब सर्वर। बिना मतलब वेब सर्वर से रिटर्न हुए उसके अलाउज करता है एचटीएमएल एलिमेंट के कंट्रोल को, लैंग्वेज को। जैसे कि लिखा है विच वेब लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज गिव मोर कंट्रोल, अधिक कंट्रोल देता है ओवर द एचटीएमएल एलिमेंट, एचटीएमएल एलिमेंट के से, एंड अलाउज और अलाउ करता है चेंज एट एनी टाइम, मतलब उस किसी भी टाइम चेंज हो विदाउट रिटर्निंग, बिना रिटर्न हुए टू वेब सर्वर, बिना वेब सर्वर से रिटर्न हुए। तो इस कंडीशन में हमारा डी टी एच जो डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, वह होता है यूज किया जाता है। जैसे इस कहने का मतलब है कि वेब सर्वर जो होता है, हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, कोई फॉर्म में भरते हैं, अथवा कोई जैसे हम लोग का एडमिट कार्ड आता है, रिजल्ट आता है, तो मेरे रिजल्ट का जो न्यूमेरिक मतलब वैल्यू होता है, रिजल्ट आता है, वह कहीं एक सर्वर पर रखा होता है, तो वह वहां से उठकर आता है। तो वही पूछा है चेंज एट एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम चेंज हो सकता है विदाउट रिटर्निंग टू वेब सर्वर, बिना वेब सर्वर के रिटर्न किए वह हो, मतलब बिना वेब सर्वर के रिटर्न किए उस पेज में चेंज हो सकता है। तो वही डी एस टी डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, मतलब डायनेमिक मतलब हमेशा चेंज होता रहता है उस स्थिति में, मतलब बिना वेब सर्वर के रिटर्न किए वह ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। तो उस प्रकार के पेज को हम डी एस टी एम एल कहते हैं। जैसे मेरा फेसबुक का वेबसाइट हो गया, वो हमेशा चेंज होता रहता है समय समय पर, वही चीज दिया हुआ डी एस टी एम एल टाइप पेज होता है, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म इन एस टी एम एल टैग। किस टैग की यूज की सहायता से हम एस टी एम एल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टू सेंड एंड डेटा सर्वर, मतलब जो एस टी एम एल फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं वह है
फॉर्म टैग की हेल्प से एचटीएमएल फॉर्म को बनाते हैं, बट उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? पूछा व्हाट माने क्या इज द यूज ऑफ, मतलब क्या यूज है फॉर्म इन एचटीएमएल, एचटीएमएल में फॉर्म का क्या यूज है? तो उस स्थिति में टू सेंड द डेटा टू सर्वर, मतलब अपने डेटा को सर्वर के पास भेजने के लिए हम लोग फॉर्म का यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कोई भी फॉर्म भरते होंगे तो आप फॉर्म फिल करते हैं, उसमें अपना पूरा डेटा देते हैं, वह डेटा मेरा उठ के कहाँ जाता है, सर्वर के पास जाता है, वहाँ अपलोड होता है। तो यही पूछा है कि हम लोग व्हाट इज द यूज फॉर्म इन एचटीएमएल, एचटीएमएल में जो फॉर्म है उस टैग का यूज क्यों किया जाता है, तो अपने डेटा को सर्वर के पास भेजने के लिए। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लेटेस्ट एचटीएमएल स्टैंडर्ड इज, मतलब HTML का लेटेस्ट स्टैंडर्ड, मतलब प्रेजेंट टाइम में कौन सा HTML वर्जन चल रहा है, स्टैंडर्ड मतलब उसका वर्जन कौन सा चल रहा है। तो दोस्तों इस समय जो HTML का 5.0 वर्जन चल रहा है, ये हम लोग जो अभी तक कई टैग को हम लोग रन कराए हैं, देखे हैं, लिखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, उस चीज में वह HTML 5 की हेल्प से किए हैं, वह मेरा करंट वर्जन है। वही पूछा लेटेस्ट HTML स्टैंडर्ड, वही HTML 5.0 है, इसे 5.0 भी कहा जाता है लेकिन 5.2 अधिक पॉपुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं डॉट एचटीएम और डॉट एचटीएमएल इज एक्सटेंशन ऑफ, मतलब यह किस फाइल का एक्सटेंशन है डॉट एचटीएम और डॉट एचटीएम एंड डॉट एचटीएमएल। तो यह मेरा वेब पेज सोर्स टेक्स्ट होता है, जो जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक पेज क्रिएट किए हैं, इस पेज को यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डॉट एचटीएमएल से सेव किया गया, बट इसी पेज को हम डॉट HTML से ओनली सेव कर दें तो भी यह मेरा एक वेब पेज बनेगा जो मेरे ब्राउजर पे इजीली रन कर जाएगा। तो वही पूछा है कि जो डॉट HTML है एंड डॉट HTML है, यह दोनों एक्सटेंशन जो है वह कहाँ यूज किए जाते हैं, तो वेब पेज सोर्स टेक्स्ट के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, HTML टैग आर सराउंडेड बाय व्हिच टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, HTML टैग को सराउंडेड मतलब उसका एनवायरनमेंट जो होता है बाय व्हिच टाइप ऑफ ब्रैकेट, किस टाइप के ब्रैकेट के यूज करके। दोस्तों हम लोग तो अभी तक इतना कोडिंग कर चुके हैं, उसमें देखे हैं कि एंगल ब्रैकेट क्या यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं हर जगह यहाँ पर जहाँ पर भी कोई टैग ओपन होता है क्लोज होता है हर जगह एंगुलर ब्रैकेट यूज होता है। तो वही पूछा है किस टाइप का ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो एंगल ब्रैकेट है, तो दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द HTML टैग आर, मतलब HTML टैग आर है क्या है, नॉट केस सेंसिटिव, आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं नॉट केस सेंसिटिव का मीन्स क्या होता है। नॉट केस सेंसिटिव, केस मतलब जो कैरेक्टर होते हैं, जो अक्षर होते हैं ए बी सी डी ए से जेड तक जो कुछ भी होते हैं, यह केस सेंसिटिव मतलब उनका कोई केस डिफाइन नहीं होता, अर्थात चाहे स्मॉल लेटर में लिखें चाहे कैपिटल लेटर में लिखें, मेरा HTML फाइल इजिली मेरे उस HTML फाइल को वेब ब्राउजर रन कर सकता है। जैसे हम लोग एक हेडिंग यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पर एक H1 हेडिंग बनाकर हेडिंग वन लिख देते हैं एंड सेकेंड में हम लोग एक कैपिटल H1 के साथ हम लोग एक क्रिएट करना चाहते हैं, हेडिंग वन, जैसे कि अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट मेरा जो टैग है वह स्मॉल H1 के साथ है, दूसरा है कैपिटल H1 के साथ है, बट इसको जो हम इसको सेव करके ब्राउजर पे रन कराते हैं अर्थात ब्राउजर को रिफ्रेश अप करेंगे तो देखते हैं कोई अंतर नहीं, सिमिलर वह बिहेव किया। तो यही मतलब कहा है कि केस सेंसिटिव अर्थात यह नॉट ए केस सेंसिटिव, मतलब चाहे स्मॉल लेटर में लिखे चाहे कैपिटल लेटर में लिखे अपने टैग को है उसको कोई मतलब अंतर नहीं समझता, वह एक ही तरह बिहेव करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यही था कि HTML टैग और मतलब नॉट ए केस सेंसिटिव, मतलब कोई सेंसिटिव नहीं है चाहे स्मॉल लिखें चाहे। दोस्तों आज हम लोग HTML के मैक्सिमम कमांडो को देखा जो हमारे DRDO सेप्टम 10 टेक्निशियन 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले थे, उसी को मैंने लेकर यहाँ पर रिविजन कराने की पूरी कोशिश की है। यदि दोस्तों आप लोगों को कोई भी इन सभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है अथवा आपके पास कोई अदर क्वेश्चन है तो उसे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, यदि कोई कंफ्यूजन आपके उन क्वेश्चनों में हो तो। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल बेचिक आप लोग कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको बहुत ही जल्दी जरूर देने की सोचा जाएगा। तो दोस्तों इसी पर हम समाप्त करने की कोशिश करते हैं।